नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डिवाइन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सब तैयारी कर रहे हो, एजुकेशन की पढ़ाई की तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो हमें पता है कि तैयारी करने में हम जो पढ़ते हैं, जितना भी मैटर पढ़ते हैं, क्या जरूरी होता है उस मैटर में। पढ़ाई करना ही इंपॉर्टेंट है, उस पढ़ने के बाद में हमने क्या पढ़ा इसको जानना भी जरूरी है। कि पढ़ तो लिया, तैयारी तो कर ली, लेकिन उस तैयारी में से कैसी अपनी तैयारी है, कितनी तैयारी है, ये चीजें पता लगाना वो काम होता है टेस्ट का। किसका काम होता है? टेस्ट का काम होता है। तो आज हम संज्ञा प्रकरण से टेस्ट लेके आए, क्योंकि जो अभी तुम्हारा सीईटी का एग्जाम होने वाला है, उस सीईटी के एग्जाम में 12th प्लस वाले की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि सीईटी का ग्रेजुएशन वाला तो हो गया एग्जाम और अब आने वाला है सीईटी का 12th प्लस का एग्जाम। तो उसमें हिंदी विषय आने वाली है, तो मैं उसको लेकर के चल रहा हूं अभी। और आपको रोज एक एक प्रकरण, रोज हम एक एक प्रकरण पढ़ते हुए चलते हैं, अलग अलग टॉपिक वाइज पर्सन करते चलते हैं और अपनी तैयारी को परखते चलते हैं। तो आज मैं आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक लेके आया हूँ, संज्ञा प्रकरण। कौन सा प्रकरण? संज्ञा प्रकरण। तो एक एक टॉपिक रोज लेके चलेंगे और पर्सन आंसर करते चलेंगे, अपनी तैयारी को जांचते हुए चलेंगे। ठीक है, बढ़िया बात है, आगे चलते हैं। चलो अब आज शुरू करते हैं हम पहले पर्सन से। एक बार आप पहले पर्सन को देखिए, हम पढ़ रहे हैं संज्ञा प्रकरण। अभी कौन सा प्रकरण पढ़ रहे हैं? संज्ञा प्रकरण। संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, है ना, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के रूप कैसे बदले जाते हैं, विशेषण भाववाचक संज्ञा दोनों में अंतर क्या होता है, ये चीजें समझने की कोशिश करते हैं, है ना। तो संज्ञा टॉपिक को लेकर चल रहे हैं आज, हमारा टारगेट है संज्ञा टॉपिक में, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, ये अपना टारगेट है। ठीक है, अब देखो तो आप प्रश्न उत्तर करते चलिए, मैं बताता हूँ आपको। एक काम कर लीजिए, पेन कॉपी ले लीजिए और देखिए जो मैं प्रश्न करवाऊँ उसमें देखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, है ना, तैयारी के हिसाब से। तो आ जाइए पहले प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न, गांधी परिवार के सभी लोग शिक्षित हैं। गांधी परिवार के सभी लोग क्या है? बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं। गांधी में कौन सी संज्ञा है? इसमें एक एक शब्द को पकड़ते हैं। गांधी में, गांधी परिवार के सभी लोग शिक्षित हैं और गांधी में कौन सी संज्ञा है, ये पूछा गया है। ऑप्शनों को देखो, पहली संज्ञा यहाँ पे लिखा हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरी यहाँ पे लिखा है भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। फिर उसके बाद में जातिवाचक और द्रव्यवाचक। अब हम ये नाम तो पढ़ रहे हैं लेकिन ये होती क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। व्यक्तिवाचक क्या होती है, भाववाचक क्या होती है, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, ये होती क्या है, ये जानना जरूरी है हमें। इस प्रश्न का उत्तर करने से पहले ऑप्शनों को जानना जरूरी है। तो हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक क्या होती है, भाववाचक क्या होती है और जातिवाचक क्या होती है। उसको देखने से पहले हम ये देखेंगे कि संज्ञा क्या होती है, इसका मूल देखते हैं कि संज्ञा क्या होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा कहते हैं नाम को, मोटे मोटे तौर पर समझा जाए तो संज्ञा किसको बोलते हैं? नाम को। नाम को, किसके नाम को? किसी के भी नाम को। किसके नाम को? किसी के भी नाम को। आप जहां पे बैठे हो अपने आसपास एक बार नजर फैला के देखोगे, चारों तरफ देखोगे चीजों को, तो आपको लगेगा कि यहाँ पे जितनी भी चीजें चल रही है, दौड़ रही है, बैठी है, पड़ी है, उन सबके कोई ना कोई नाम है, है ना, उनके क्या है? नाम है। तो इन नामों को ही क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं, है ना। उनको पुकारने के लिए कोई, उन चीजों को बुलाने के लिए, पहचानने के लिए, ये चीज यही है। क्या रखा हमने? नाम, सुविधा के लिए, है ना। तो नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। अब देखो किस किस के नाम को संज्ञा बोलते हैं, ये भी तो पता होना चाहिए कि किस किस के नाम को संज्ञा बोलते हैं। तो इसका मतलब है सभी के नाम को संज्ञा। अब सभी में क्या क्या आते हैं? सभी में आते हैं व्यक्ति, व्यक्तियों के नाम को, वस्तु, किसके नाम को? वस्तुओं के नाम को, व्यक्ति, वच्चु, वस्तु, व्यक्ति, वस्तु, स्थान यानी कोई जगह, उसके नाम को, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। कोई भी व्यक्ति का नाम होगा, है ना, व्यक्ति हो सकता है, जानवर हो सकता है ना, कोई भी जो सजीव चीज समझ लो एक प्रकार से, कि कोई भी अगर सजीव चीज है तो सजीव चीज का कोई भी नाम, और वस्तु से हम मान लेते हैं निर्जीव चीज, कि कोई भी निर्जीव चीज है ना उसका नाम। सजीव निर्जीव दो चीज बची, जो सजीव है उसमें जीव है वो, और निर्जीव जिसमें जीव नहीं है, जैसे वस्तु में मान लेते हैं। तो सजीव और निर्जीव के नाम, और हो सकता है स्थान यानी जगह, कोई भी जगह उसका नाम, जैसे जयपुर है, दिल्ली है, आगरा है, मुंबई, उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। अब आ जाओ भाव के नाम को समझते हैं। अब भाव क्या होता है? भाव होता है जो अपने मन में भावनाएं होती है, जिसको हम देख नहीं सकते, है ना,
सजीव चीजों को देख सकते हैं, निर्जीव चीजों को भी देख सकते हैं, है ना। लेकिन स्थान को अपन देख तो सकते हैं कि कौन सा स्थान है, जयपुर गए, आज मैं जयपुर गया था, जाके आ सकते हैं उस जगह पे, लेकिन भाव को हम देख नहीं सकते। लेकिन भाव भी तो होता है ना, उनका नाम तो होता ना, कोई आदमी बैठा है, कोई आदमी बैठा है, और वो देखो आदमी क्या के देखो एक बार समझो, अरे हो जा भाई, कोई आदमी है वो बैठा है, और वो बैठा बैठा ये निकाल रहा है, पानी निकाल रहा है आपको, क्या निकाल रहा है उसे, पानी निकाल रहा है। अब वो बैठा बैठा पानी निकाल रहा है तो उसको कुछ तो बोलेंगे ना कि वो कर क्या रहा है। अब वो पानी निकाल रहा है तो उसका एक नाम दे दिया लोगों ने, क्या नाम दिया उसका, रोना। क्या नाम दे दिया, रोना। वो क्या कर रहा है, रो रहा है। मतलब कोई भी क्रियाएं करना है ना, उन सब का भी क्या रख दिया हमने नाम, कोई हंस रहा है, दांत दिखा रहा है ना, कोई कोई क्या कर रहा है, हंस रहा है, ये समझो दांत दिखा रहा है, चेहरे को दिखा रहा है। तो उस हंसने की क्रिया को हमने क्या नाम दे दिया, हंसना। तो ये समझो कि अपने आसपास में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो, क्या हो, सजीव रूप में हो चाहे निर्जीव रूप में हो, कोई जगह हो या कोई भाव हो, उन सभी के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। ये चीज समझ में आ गई, जितनी भी चीजें उनके नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा। तो ये हो गई मोटी मोटी बात संज्ञा। अब इसके बाद में इस संज्ञा के भेद भी कर दिए गए, क्या कर दिए गए, भेद। अरे एक सेकंड, हाँ उनके क्या कर दिए गए, भेद भी कर दिए गए। अब इन संज्ञाओं के भेद तो कर दिए, किस आधार पे किए इनके भेद, कि संज्ञा तो है, नाम तो है, लेकिन इनके पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि चलो ठीक है, एक नाम देके नहीं छोड़ते इसको कि संज्ञा ही है, इसको अलग अलग प्रकार से बताते हैं कि ये कौन सी संज्ञा है, ये कौन सी संज्ञा और ये कौन सी संज्ञा। जैसे कि अब यहाँ पे अपने ऑप्शन दे रखा है, पहली संज्ञा का नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इसमें किन किन चीजों का नाम रख दिया, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसका नाम रख दिया, व्यक्तियों का नाम रख दिया। किसका नाम रख दिया, व्यक्तियों का, यानी ऐसे समझो सजीव चीजों का नाम रख दिया जो एक ही हो, जो क्या हो, विशेष हो। जैसे कि मैं एक चीज बता दूं, जैसे व्यक्ति समझते हैं आपका भाई है, जैसे समझ लो आपका भाई का नाम है मोहन, आपके भाई का नाम क्या है, मोहन है। अब आपका जो भाई मोहन है वो तो इस संसार में एक ही ना, आप ये तो बोल सकते हो कि मोहन नाम के व्यक्ति बहुत सारे, लेकिन जो आपका भाई मोहन है वो तो एक ही है संसार में। अब आप उसके जैसा तो वो खुद अकेला है ना, अब आप ये नहीं बोल सकते कि उसके एक जैसे एक इंसान की शक्ल के सात आदमी होते हैं, ठीक है, ये बात भी मान लेते हैं कि एक सात आदमी कहने की कहावत, तो क्या उनकी सूरत तो मिल रही है लेकिन क्या उनके गुण भी मिल रहे हैं, क्या सेम ऐसा का ऐसा है, जैसा आपका भाई है जैसे ये बिहेवियर करता है आपके साथ में, जैसा व्यवहार करता है ना, जैसी वो भाषा बोलता है, क्या सेम उसी प्रकार का है, नहीं ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सात जने हो सकते हैं एक सूरत क्यों, लेकिन गुणों में सभी चीजों में है ना एक जैसे नहीं होंगे। तो इस प्रकार से इसको विशेष मानते हैं, तो किसी भी व्यक्ति को जो आपका भाई मोहन है जो आपके पास में, तो वो क्या है, एक विशेष हो गया कि इसके जैसा अब कोई नहीं है, वो यूनिक है। तो व्यक्तियों के नाम को है ना, और जो इस संसार में चीजें एक हो, केवल एक हो, विशेष हो, क्या हो, विशेष, उन सबको किस में रख दिया हमने, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। विशेष कैसे, अब जैसे ताजमहल है, अब जिस ताजमहल की अपन बात कर रहे हैं, वैसे तो छोटे मोटे और भी ताजमहल है, लेकिन जिस ताजमहल की अपन बात कर रहे हैं वो ताजमहल इस संसार में क्या है, एक ही है, एक ही हुआ। रावण की बात करते हैं, रावण, जिस रावण को हम जानते हैं रामायण में, इनमें पढ़ते हैं रावण को, वो रामायण रावण तो एक ही हुआ ना, हो सकता है आज उनके जैसे बहुत से रावण, उनकी उनके स्वभाव वाले बहुत से रावण हो गए, लेकिन वो रावण तो एक ही हुआ ना। तो जो व्यक्ति विशेष होता है, या कोई भी चीज हो, स्थान हो, जगह हो, वो विशेष हो है ना, जाति हो है ना, कोई भी चीज हो, विशेष हो, तो वो किसमें आ जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में, यानी व्यक्ति का नाम हो इसमें, और कोई एक चीज हो इस संसार में केवल एक, वो किसमें आ जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ध्यान से समझना व्यक्तिवाचक संज्ञा को, व्यक्तियों का नाम हो सकता है, क्योंकि जो नाम जिसका नाम होगा वो व्यक्ति विशेष होगा, एक ही होगा इस संसार में, इसलिए इसमें व्यक्तियों का नाम आ गया। और दूसरी चीज इसमें क्या रख दी गई, विशेषता ये रख दी गई कि वो चीज भी अकेली यूनिक होनी चाहिए, संसार में केवल एक होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, विशेष होनी चाहिए या एक होनी चाहिए, उसको किसमें रख दिया, व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, ये तो रख दिया व्यक्तिवाचक संज्ञा में, व्यक्ति का नाम, व्यक्ति का, एक सेकंड में लिख देता हूँ, व्यक्ति का नाम और विशेष चीज, व्यक्ति का नाम और विशेष चीज, ठीक है, ये चीज होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आते हैं हम, एक चीज हो गई, अब लेकिन अगर बहुत सारी चीजें होगी, एक बात, एक की बात हो गई,
तो अब पढ़ते हैं हम जातिवाचक संज्ञा को। भाई ठीक है, मान लिया कि एक चीज है उसको तो विशेष में रख दिया, लेकिन अब जो बहुत सारी है उसको किस में रखोगे? उसको रख दिया जातिवाचक संज्ञा में। किस में रख दिया? जाति। जाति शब्द से एक ग्रुप का बोध होता है, जाति शब्द से, है ना। तो ग्रुप यानी एक से ज्यादा चीजें कोई भी हो संसार में वो किस में आ जाएगी? फिर जातिवाचक संज्ञा में। जैसे कोई भी चीज हो सकती है आपके आस पास में, देखो आप जो चीजें वो एक से ज्यादा होगी। जैसे मेरे पास ये पेन है, तो ये एक पेन ऐसा बहुत सारा है, बहुत सारे पेन बने, तो पेन बहुत सारे बने, तो अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया पेन, तो पेन बहुत सारे संसार में, तो ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि पेन बहुत सारे हैं। दूसरी चीज मैंने लिख दिया बालक, बालक क्या है? बालक बहुत सारे हैं संसार में। मैंने लिख दी गाय, गाय गाय एक है क्या इस संसार में? नहीं, बिल्कुल एक नहीं है, बहुत सारी गायें। तो इस प्रकार से जो बहुत सारी चीजें, गाय हो, पंखा हो, है ना, दरवाजा हो, कुर्सी हो, है ना, कोई भी चीज यहाँ पे जो मैं देख सकता हूँ, बोर्ड हो, है ना, दीवारें हो, जो एक नहीं होकर के बहुत सारी है, वो किसमें आ जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में। किसमें आ जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में आ जाएगी, है ना। अब आ गई बात व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, दोनों को हमने पढ़ लिया। एक होगी तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, विशेष होगी तो, ज्यादा होगी तो जातिवाचक संज्ञा होगी। लेकिन अब इन दोनों में एक चीज कॉमन है, इन दोनों को हम देख सकते हैं, उनको छू भी सकते हैं और नाप भी सकते हैं, तोल भी सकते हैं, ऐसे समझो ना। वो चीजें इसमें आती है, देख सकते हैं, छू सकते हैं स्पर्श करके, नाप सकते हैं और तोल सकते हैं, वो चीजें इन दोनों में आएगी, व्यक्तिवाचक में और जातिवाचक में, है ना। लेकिन ये जो तीसरी, इसका भेद बढ़ते हैं, तीसरा भाव। ये जो भाववाचक संज्ञा है, इस भाववाचक संज्ञा को हम नाप नहीं सकते, तोल नहीं सकते, है ना, देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। इसको केवल क्या कर सकते हैं? हम महसूस कर सकते हैं, भाव को हम केवल महसूस करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया था कि एक बच्चा रो रहा है, तो हम उसको रोते हुए को देख तो सकते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ रहा है, वो चीजें देख तो सकते, लेकिन ये फील नहीं कर सकते कि वो कितना रो रहा है। हो सकता है कि वो अपन सोच रहे हो इसको थोड़ा दुख हो, हो सकता है उसको ज्यादा दुख हो, लेकिन उसको रोते हुए को हम ये नहीं बता सकते कि वो एक किलो रो रहा है, दो किलो रो रहा है, वो इतना रो रहा है या इतना सा ही रो रहा है, बता नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे समझते हैं कोई व्यक्ति है, उसकी थोड़ी सी चोट लग गई, तो अपन फील करते हैं कि इसको थोड़ा सा दर्द हुआ है, महसूस ही कर सकते हैं ना, बता नहीं सके, थोड़ा सा कि मतलब फिक्स नहीं कर सकते कि आपने ये फिक्स कर दिया कि भाई साहब इसको तो इतना सा ही दर्द हुआ है, कोई फिक्स नहीं है ना। दर्द उसको कितना हुआ है? हो सकता है हमने सोचा इतना हो, लेकिन उसको थोड़ा इतना ज्यादा हो गया वो दर्द, उसको महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते ना, तो वो किस में आ जाएगा? भाव में आ जाएगा, हम किलो नाप तोल आदि में इसको नहीं बता सकते। तो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक तीन संज्ञा के भेद बढ़ते हैं। और जो ये तीसरा यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है द्रव्यवाचक, क्या दे रखा है? द्रव्यवाचक, ये जातिवाचक संज्ञा का ही क्या है? भेद है। अब आते हैं अपने प्रश्न को देखते हैं, पहले प्रश्न को देखिए, ठीक है, ये व्याख्या समझ ली हमने चारों की। अब देखते हैं यहाँ पे पूछा है गांधी परिवार, क्या पूछा है? गांधी परिवार के सभी लोग शिक्षित हैं। वैसे आज आपको पता ही है गांधी जयंती भी है, तो गांधी जी का प्रश्न लिया है पहले, तो गांधी परिवार के सभी लोग क्या है? शिक्षित है। यहां पर जो गांधी शब्द दे रखा है ना, इस गांधी शब्द, इसमें संज्ञा पूछिए कि इसमें कौन सी संज्ञा है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पे जो गांधी दे रखा है वो एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं दे रखा कि महात्मा गांधी जी का, महात्मा गांधी जी बहुत ज्यादा महान व्यक्ति थे, तब तो एक जने की बात होती, वो किसकी होती? महात्मा गांधी जी की। लेकिन यहाँ पे दे रखा है गांधी परिवार, तो क्या गांधी परिवार एक ही है संसार में? है एक ही है क्या गांधी परिवार है संसार में? नहीं, बिल्कुल एक ही नहीं है, गांधी परिवार तो बहुत सारे हैं संसार में। तो अगर बहुत सारे हैं तो क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा कब होगी? जब कोई चीज एक हो और व्यक्ति का नाम हो, वो चीज एक हो और व्यक्ति का क्या हो? नाम हो, तो वहां पे कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लेकिन अब ये चीज जो गांधी परिवार है, ये एक नहीं और हो करके एक से ज्यादा है, बहुत सारे हैं, बहुत हैं, तो फिर जातिवाचक में आ जाएगा या भाववाचक में आ जाएगा। लेकिन अब ये देख सकते हैं कि परिवारों को हम देख तो सकते हैं ना, कि ये गांधी परिवार है, ये वो परिवार है, परिवारों को देख सकते हैं, तो देख सकते हैं उनको, वो जातिवाचक संज्ञा में जाएगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? एक सेकंड, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा। आ गया समझ में? ये हमने पहला प्रश्न देखा है। अब आगे चलते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए आप, चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ये भी बताते चलना ना, देखते रहो। दूसरा प्रश्न देखो, निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। इन शब्दों पर हमें विचार करना है कि ये शब्द क्या है, है ना। अब देखो यहाँ पे पूछा उपयुक्त में संज्ञा शब्द है, क्या बताना है? अब ये जो शब्द दे रहे हैं उनमें से हमें संज्ञा शब्द बताना है। कौन सा शब्द बताना है? संज्ञा शब्द। और अभी हमने पढ़ा कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति का नाम
संज्ञा होता है, ठीक है। अब यहां पे एक चीज दे रखी है भयावह, क्या दे रखा है भयावह। अब हम जानते हैं भयावह ये किसी भाव का नाम नहीं है, व्यक्ति का नाम भी नहीं है, किसी वस्तु का नाम भी नहीं है भयावह। भाव का नाम भय जरूर हो सकता है, भय भय एक भाव होता है, लेकिन भयावह तो भाव नहीं होता। भयावह तो कोई किसी विशेषण हो सकता है, भयावह क्या हो सकता है विशेषण, और विशेषण ये जैसे भयावह व्यक्ति, यानी वो व्यक्ति क्या है भयावह है, भयानक हो सकता है, भयानक व्यक्ति, भयावह स्थिति हो सकती है ना। तो यही पहचानना है तुम्हें भाववाचक संज्ञा में कि भयावह जो शब्द है क्या वो भाववाचक संज्ञा है, नहीं, उसमें जो भाव छिपा हुआ है वो भय का भाव है। तो यहाँ पे भयावह भाववाचक संज्ञा नहीं, जाति और व्यक्ति तो वैसे ही नहीं हो सकती क्योंकि छू नहीं सकते भयावह चीज को, देख नहीं सकते, तो भय इसमें चीज है तो भाव को महसूस कर सकते हैं इसके को। तो भाव क्या है, भय का भाव है, तो इसमें भय होता तो भाववाचक संज्ञा होती। यहाँ पे दे रखा है भयावह, तो भयावह किसी व्यक्ति के बारे में विशेषता बता रहा है, तो ये तो क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा, यानी कि ये क्या नहीं है संज्ञा नहीं है। ये चीज समझ लो आप, संज्ञा को जब आपको पहचानना हो, किसको संज्ञा को, कि संज्ञा क्या है या संज्ञा है या नहीं है, तो उसके लिए आप जब भी आपको पहचानना हो जो भी शब्द दे रखा हो ना आपके, उसके आगे एक और संज्ञा शब्द वैसा ही रख के देख लो। जैसे भयावह, भयावह शब्द के आगे एक और संज्ञा रखते हैं, तो भयावह क्या चीज हो सकती है, भयावह व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकती है या स्थिति हो सकती है। तो मैंने बोला भयावह स्थिति, अब भयावह स्थिति ये बिल्कुल सही बैठ रहा है एकदम, भयावह स्थिति। तो अगर हमने कोई भी संज्ञा शब्द को पहचानने के लिए आगे संज्ञा रख दी है ना, संज्ञा के आगे संज्ञा रख दी, हमने संज्ञा शब्द मानते हैं इसको, माना कि ये संज्ञा शब्द है या इसको पहचानना है, तो उसके आगे हम संज्ञा शब्द रख के देखेंगे ये संज्ञा शब्द है, अगर दोनों वाक्य बिल्कुल सही बैठ रहे हैं बोलने में तो वो संज्ञा नहीं होगी, फिर वो क्या नहीं होगी, फिर संज्ञा नहीं होगी, फिर वो विशेषण है, सर्वनाम कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर इन दोनों को बोलने पे ऐसे फील नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे एक मैं बताता हूँ, सौंदर्य देखो, ये देखो सौंदर्य क्या हो सकता है, सुंदर तो होता है पुरुष, और सुंदर से बनाए ये जो भाव बनाए वो सौंदर्य बनाए, तो मैं सौंदर्य के आगे पुरुष लिख के देखता हूँ, सौंदर्य पुरुष। अब देखो सौंदर्य पुरुष होता है क्या, सौंदर्य पुरुष नहीं होता, सुंदर पुरुष होता है। सौंदर्य पुरुष में, सुंदर पुरुष में सौंदर्य का भाव होता है, इसका भाव होता है सौंदर्य का, ये भाव होता है, तो ये वाक्य सही बैठ नहीं रहा है। इसका मतलब ये भी संज्ञा है और ये भी संज्ञा है, तो इसको पहचान सकते हैं हम, वाक्य सही बैठ रहा है एकदम, तब तो क्या हो जाएगा संज्ञा नहीं होगी, और वाक्य सही नहीं बैठ रहा क्योंकि सौंदर्य पुरुष होता ही नहीं है कुछ, सुंदर पुरुष होता है, तो वाक्य सही नहीं बैठ रहा, इसका मतलब ये संज्ञा है। आगे ये चीज समझ में, अब देखो सौंदर्य में समझ में आ गया, सौंदर्य में मूल शब्द क्या है, सुंदर है, सुंदर विशेषण है, सुंदर विशेषण सौंदर्य का भाव बना है, तो यहाँ पे सुंदर होता, सुंदर अगर शब्द होता तब बैठा के देखते हम संज्ञा, तो सुंदर में पूछ लेता। एक चीज सोचो आप, यहां पर सौंदर्य इसकी जगह एक शब्द होता सुंदर, अब बताओ कि ये संज्ञा है या नहीं है, बिल्कुल संज्ञा नहीं है। इसके आगे संज्ञा रख के देखो, यहाँ पे मैंने संज्ञा यही रख दी पुरुष, तो क्या बन गया सुंदर पुरुष, सुंदर पुरुष तो वाक्य सही बैठ रहा है, तो वाक्य सही बैठ रहा है तो फिर वो क्या नहीं होगी संज्ञा, ये क्या नहीं है, अब ये संज्ञा नहीं है, ये और कुछ भी हो सकता है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, संज्ञा नहीं हो सकती। और वाक्य अगर सही नहीं बैठ रहा, जैसे सौंदर्य पुरुष, तो सौंदर्य पुरुष होता ही नहीं है, सौंदर्य तो भाव होता है, तो ये क्या हो जाएगी फिर भाववाचक संज्ञा, ठीक है। ये हमने देख लिया पहचानने के लिए, एक चीज बताई मैंने आपको, एक ट्रिक बताई है, अब आगे चलते हैं। तीसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन है दर्शनीय, शब्द क्या है दर्शनीय, दर्शनीय। अब इसके आगे संज्ञा रख के देखो, क्या दर्शनीय कोई चीज हो सकती है क्या, दर्शनीय कोई वस्तु हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। दर्शनीय स्थल, दर्शनीय मंदिर, दर्शनीय स्थल, दर्शनीय मंदिर है ना, ये हो सकती है दर्शनीय। तो देखो वाक्य सही बैठ रहा ना, दर्शनीय स्थल बिल्कुल सही वाक्य, दर्शनीय मंदिर बिल्कुल सही है वाक्य, इसका मतलब ये क्या नहीं है फिर संज्ञा नहीं है। आप आगे संज्ञा रख के देखोगे और इसको पहचानने के लिए अगर वाक्य सही बैठ गया तो वो संज्ञा नहीं है फिर अब ये विशेषण है, सर्वनाम हो सकता है, विशेषण हो सकता है, तो ये क्या है यहाँ पे विशेषण, क्योंकि ये स्थल की विशेषता बता रहा है या मंदिर की, मंदिर कैसा है या स्थल कैसा है, दर्शनीय है, देखने योग्य, तो यहाँ पे ये क्या नहीं है फिर संज्ञा नहीं है। इसके बाद में आगे चलते हैं तीसरे वाले शब्द को, चौथे वाले शब्द को देखो, चौथा शब्द है कल्पना, क्या है कल्पना। अब कल्पना के आगे संज्ञा रख के देखते हैं, कल्पना कोई चीज हो सकती है, कल्पना हो
हो सकती है कल्पना कोई चीज, कल्पनीय हो सकती है कल्पनीय व्यक्ति है ना, कल्पनीय विचार, लेकिन कल्पना कोई चीज हो सकती है कल्पना, जैसे कल्पनीय व्यक्ति मानते हैं ना, वैसे यहाँ पे कल्पनीय व्यक्ति लिखते हैं। तो देखो कल्पना व्यक्ति, कल्पना व्यक्ति होता है क्या, वाक्य सही नहीं बैठ रहा, कल्पना व्यक्ति बिल्कुल सही नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पे फिर ये क्या है, संज्ञा है बिल्कुल, क्योंकि वाक्य सही नहीं बैठ रहा, वाक्य सही नहीं बैठ रहा, तो ये क्या है, संज्ञा है। तो इस प्रकार से हम संज्ञा को पहचान सकते हैं, इसमें संज्ञा है या नहीं है। तो अब यहाँ पे हमने देखा भयावह स्थिति, वाक्य सही बैठ रहा है, स्थिति की विशेषता बता रहा है, तो भयावह शब्द क्या हो गया, फिर विशेषण, क्या हो गया, भयावह शब्द विशेषण हो गया। इसके बाद में हमने देखा दर्शनीय, इसके आगे भी हमने क्या बिठा के देखा, संज्ञा शब्द बिठा के देखा, तो फिर दर्शनीय शब्द वाक्य सही बैठ रहा है, जैसे दर्शनीय स्थल, दर्शनीय मंदिर, तो फिर ये भी क्या नहीं है, संज्ञा। तो यहाँ पे दर्शनीय और भयावह संज्ञा नहीं है, लेकिन सुंदर शब्द से सौंदर्य बना, तो सौंदर्य एक भाव है और कल्पना एक भाव है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दो और ऑप्शन नंबर चार क्या है, सही उत्तर है इसमें, वो दोनों क्या है, संज्ञा है। और कौन सी संज्ञा, ये बताओ कौन सी संज्ञा, ये बताओ, सौंदर्य को हम देख सकते हैं क्या, नहीं देख सकते, उसके अंदर कितना सौंदर्य है, क्या कल्पना को हम देख सकते हैं कि उसके अंदर कितनी कल्पना, वो कितनी कल्पना करे, नहीं देख सकते, अगर देखते तो फिर उसके आधार पर देखते कि जाति होगी या व्यक्तिवाचक होगी, लेकिन देख नहीं सकते, तो सीधा सीधा पता है कौन सी संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा। अब आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, अभी मैंने चीजों को बता दिया आपको जल्दी जल्दी, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो तीसरा प्रश्न, देखो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, प्रश्न को देखो क्रिया से बनी, किससे बनी, क्रिया से। अब आपको ये तो जानना चाहिए कि इस प्रश्न को देखने पहले क्रिया क्या होती है, हाँ क्रिया को पहले जानना चाहिए। तो क्रिया बोलते हैं किसी काम का करना या होना पाए जाए, कोई काम हो रहा हो ना, कोई भी काम हो रहा हो, उससे पता लगेगा यार ये काम हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, क्रिया। जैसे यहाँ पे शब्द है कमाई, अब मैंने बोला जैसे कमाना, तो ये काम है, कमाना एक काम है, जाना खाना पीना, जाना खाना पीना, रोना धोना, ना ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, क्योंकि इनके अंदर काम का भाव हो रहा है। तो क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा, शब्दों देखो क्रिया से हमें क्या बताना है, कि क्रिया से बनके, इस क्रिया शब्द से बनके हमें क्या बताना है, भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा में क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए। तो क्रिया से बनी हुई भाववाचक संज्ञा बनानी है, बतानी है। अब देखो क्रियाएं हमने देख लिया कि किसी काम का हमें पता लग रहा हो कि ये काम हो रहा है। कमाई देखो, कमाई में क्या क्रिया हो सकती है, शब्द देखो कमाना, कमाना बिल्कुल एक काम है, कोई व्यक्ति कमाता है, बिल्कुल सही है। लड़ाई में देखो कोई क्या काम हो सकता है, लड़ना, लड़ना काम हो गया, क्योंकि कोई व्यक्ति लड़ता है। पढ़ाई में क्या काम हो गया, पढ़ना, तो ये भी काम हो गया, तीनों काम हो गए, कमाना, लड़ना, पढ़ना। अब इस शब्द को देखो, भलाई शब्द क्या है, भलाई, क्या भलना, भलना ये कोई क्रिया होती है, ऐसा कोई काम होता है क्या भलना, भलना कोई काम ही नहीं होता, कमाना काम होता है, लड़ना काम होता है, पढ़ना काम होता है, लेकिन भलना कोई काम नहीं होता। तो इसमें मूल शब्द क्या है, फिर इसमें मूल शब्द है भला, क्या है मूल शब्द, भला। तो ये भी नहीं होगा, कमाई भी नहीं होगी, लड़ाई भी नहीं होगी, पढ़ाई भी नहीं होगी, उत्तर क्या हो जाएगा इसका, भलाई। और भला शब्द क्या है, भला शब्द यहाँ पे क्या है, विशेषण। कैसे पहचाना विशेषण, भला के आगे, क्योंकि ये शब्द विशेषता बता रहा है, किसी भी चीज की विशेषता बता सकता है भला, भला पुरुष है ना, भला व्यक्ति, भला बालक है ना, तो ये विशेषता बता रहे हैं, तो भला क्या हो जाएगा यहाँ पे, विशेषण। तो ये जो भलाई शब्द बनाए वो किससे बनाए, भलाई शब्द किससे बनाए, भलाई शब्द विशेषण से बनाए, किससे बनाए, विशेषण से। ये लो, इसके बाद में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, कौन सा शब्द संज्ञा है, अब मैंने अभी बताया था तुम्हें कि संज्ञा शब्द पहचानने कैसे, संज्ञा के आगे संज्ञा रखे, संज्ञा के आगे संज्ञा रख के हमें पहचानना है। अगर सही हुआ वाक्य तो संज्ञा नहीं होगी, अब बोलने में सही लगा दो, और बोलने में सही नहीं लगा तो वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वो संज्ञा, अगर वाक्य बोलने में सही नहीं लगा। देखते हैं अब आगे देखो, अपमानित हो, अपमानित आगे देखो, अपमानित क्या चीज हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, अपमानित वस्तु हो सकता है, अपमान, अपमानित व्यक्ति बोलते हैं, अपमानित व्यक्ति, ये तो है अपमानित व्यक्ति है, ये तो है ना, ये तो अपमानित व्यक्ति है, तो बात सही बैठ रही है, अपमानित व्यक्ति। इसके अंदर भाव किसका है, अपमानित व्यक्ति में किसका भाव है, अपमान का भाव है, किसका भाव है, अपमान। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा क्या होती, अपमान। दूसरा देखो अब शब्द आदरणीय, आदरणीय क्या है, आदरणीय, आदरणीय में हम आगे संज्ञा रख के देखते हैं, आदरणीय गुरुजी, आदरणीय माताजी, आदरणीय माताजी, आदरणीय पिताजी है ना, आदरणीय होगी माताजी के लिए तो आदरणीय पिताजी, आदरणीय पिताजी है ना, आदरणीय पिताजी, अब सही बैठ रहा है, आदरणीय गुरुजी, आदरणीय पिताजी, तो ये भी क्या नहीं होगी, क्योंकि मैंने बोला कि संज्ञा की आगे संज्ञा रख के देखो, संज्ञा की संज्ञा रखा, अगर वाक्य सही बोलने में से आदरणीय गुरुजी सही बैठ रहा है, तो फिर वो क्या नहीं होगी,
संज्ञा नहीं होगी। लेकिन अगर अब आ जाओ तीसरे वाले पे देखते हैं, ये दो तो संज्ञा नहीं है क्योंकि दोनों को आगे बैठाया संज्ञा, तो ये उत्तर सही आ रहा है, वाक्य सही बैठ रहा है, तो ये दोनों तो संज्ञा नहीं होगी। अब आ जाओ आर्थिक शब्द को देखते हैं, आर्थिक शब्द को भी देख लेते हैं, अपेक्षा को भी देख लेते हैं। अब आर्थिक को देखो, आर्थिक कोई चीज आर्थिक हो सकती है क्या? बिल्कुल हो सकती है, आर्थिक गरीबी हो सकती है। क्या हो सकती है? आर्थिक गरीबी हो सकती है, आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है, बोलते ना उसकी आर्थिक स्थिति खराब है ना। तो आर्थिक स्थिति, स्थिति की क्या बता रहा है ये? विशेषता बता रहा है। उसकी स्थिति कैसी है? आर्थिक स्थिति खराब है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है। कैसी स्थिति? आर्थिक स्थिति की क्या बता रहा है? ये विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे ये भी क्या नहीं है? क्या नहीं? संज्ञा नहीं है, क्योंकि संज्ञा के आगे संज्ञा रख के देखने के लिए, तो ये भी क्या नहीं है? संज्ञा नहीं है। अब आ जाओ अगले वाले ऑप्शन को देखो, ऑप्शन नंबर डी को, अपेक्षा को देखो। अपेक्षा, अपेक्षा क्या आगे भी हम व्यक्ति रख के देखते हैं, अपेक्षा व्यक्ति, अपेक्षा व्यक्ति, अपेक्षा व्यक्ति कोई बैठ ही नहीं रहा, अपेक्षा व्यक्ति है ना, अपेक्षा व्यक्ति होता नहीं है। व्यक्ति क्या होता है? अपेक्षित व्यक्ति, व्यक्ति हो सकता है अगर विशेषता पता नहीं तो। अपेक्षित व्यक्ति है क्योंकि वो अपेक्षा रखता है, अपेक्षित व्यक्ति क्या रखता है? अपेक्षा। तो अपेक्षित व्यक्ति के अंदर किसका भाव है? अपेक्षा का भाव है। किसका भाव है? अपेक्षा का भाव है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा, क्योंकि इन दोनों को देखो, अपेक्षा व्यक्ति वाक्य नहीं बैठ रहा, और अगर वाक्य नहीं बैठ रहा तो फिर वो क्या है? फिर वो अगर वाक्य नहीं बैठ रहा तो फिर वो क्या है? संज्ञा है। आ गया समझ में? आगे चलो अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो, इनमें में, यहाँ पे से हो जाएगा, इनमें से, इनमें से किस वर्ग के, क्या किस वर्ग के यानी किस ग्रुप के सभी विशेषण, सभी क्या विशेषण संज्ञा शब्दों से बने? किससे बने? संज्ञा शब्दों से। यानी हमें ये देखना, संज्ञा शब्द क्या होते हैं? या तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, या जातिवाचक संज्ञा, या भाववाचक संज्ञा। और हमें यह बताना है कि जो यहाँ पे जो शब्द विशेषण बने गए, विशेषण कैसे कहते हैं ये भी जान लेना। विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं, यानी विशेषता बताने वाले शब्द होने चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि संज्ञा शब्दों से बने हुए हमको बताने हैं विशेषण, तो व्यक्तिवाचक जातिवाचक भाववाचक संज्ञा शब्दों से बताना है हमें कि विशेषण बना या नहीं है। अब इसमें देखो, भारतीय जो शब्द है इसको पहले पकड़ते हैं, पहले वाले ग्रुप को देखते हैं। भारतीय शब्द है, इसका मूल शब्द निकाल के देखो, भारत क्या हो गया? भारत, तो भारत किस में आ जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, क्योंकि भारत क्या है? एक ही है संसार में, तो भारत, भारत स्थान विशेष है। इसके बाद में हम देखते हैं दर्शनीय शब्द है, दर्शनीय शब्द है, तो दर्शन क्या है? दर्शनीय के अंदर किसका भाव है? दर्शनीय, दर्शनीय स्थल है, तो दर्शनीय में किसका भाव है? दर्शन का भाव है, तो दर्शन किसमें आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में। किसमें आ जाएगा दर्शन? भाववाचक में, क्योंकि इसको देख नहीं सकते, गिन नहीं सकते। अब आगे चलो, आलसी, आलसी व्यक्ति है, तो आलसी में किसका भाव है? आलस का भाव है। किसका भाव है? आलसी व्यक्ति में, कि यार ये आलसी बहुत ज्यादा करता है, क्या करता है? आलस करता है, तो इसका मतलब उसके अंदर किसका भाव है? आलस का। इसमें ये तीनों किससे बने हैं? ये तीनों शब्द, ये वर्ग पहला भारतीय भारत से बना है, दर्शनीय दर्शन से बना है, आलसी आलस से बना है, तो यही हो जाएगी। ये सभी विशेषण संज्ञा से बने हैं। किससे बने हैं सभी सब? संज्ञा से बने हैं। ये उत्तर सही है, पर अब आगे भी देखते हैं कि अगले वाले जो ऑप्शन है उनमें क्या कमी रही कि वो संज्ञा से क्यों नहीं बने हुए हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से शब्द इनमें संज्ञा से नहीं बने हुए हैं। ठीक है, ये उत्तर तो हमने कर लिया। अगला देखो आप ऑप्शन, यहाँ पे लिखा हुआ है रक्षक, रक्षक पुरुष है, तो रक्षक तो देख लिया कि ये रक्षक है, तो इसमें मूल शब्द हम निकालते हैं रक्षा। इसमें संज्ञा क्या हो सकती है? रक्षा संज्ञा हो सकती है। कौन सी संज्ञा होगी रक्षा? भाववाचक संज्ञा होगी। फिर देखते हैं पैतृक शब्द है, पैतृक शब्द है, तो पैतृक में मूल शब्द क्या निकालते हैं? पितृ। क्या निकालते हैं? पितृ। तो पितृ भी क्या है? संज्ञा है ना। कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पिता, बहुत सारे पिता है, सभी के पिता है अपने अपने। अब देखो इसके बाद में आ जाओ कमाऊ, यहाँ पे क्या है? कमाऊ, ये दोनों तो संज्ञा है, ये तो दोनों तो संज्ञा मान ली हमने, लेकिन यहाँ पे देखो कमाऊ, और कमाऊ किससे बना है? कमाना से। किससे बना है कमाऊ? कमाना, और कमाना क्या है? संज्ञा नहीं है, कमाना क्या है? काम है। कमाना क्या है? काम है, और काम को हम क्या बोलते हैं? क्रिया। काम को क्या बोलते हैं? हम क्रिया बोलते हैं काम को, इसलिए यहाँ पे इसकी वजह से सही उत्तर नहीं होगा। ये दो तो सही है संज्ञा की वजह से बने, लेकिन कमाऊ किससे बने? क्रिया से बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीन को देखते हैं इसके बाद में। ऑप्शन नंबर तीन को देखो, पहला शब्द यहाँ पर सुंदर, क्या है? सुंदर। सुंदर में, सुंदर वैसे तो सुंदर खुद ही विशेषण है ना, तो ये भी संज्ञा से नहीं बना हुआ, सुंदर खुद विशेषण है तो ये संज्ञा से बना हुआ ही नहीं है। अब देखो आगे शब्द है शीतल, शब्द क्या है यहाँ पे? शीतल, और शीतल शब्द में भाव क्या है इसमें? शीत का भाव है। किसका भाव है? शीत का भाव है, शीत या शीतलता का भाव है इसमें, तो शीत शब्द से ये क्या बना है?
विशेषण बनाए तो ये तो सही है यहाँ पे, लेकिन ये गलत है क्योंकि ये खुद विशेषण है। और यहाँ पे कैसा है, ये कैसा भी नहीं है, कैसा भी संज्ञा नहीं है, है ना। कैसा भी कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, कैसा कोई वस्तु नहीं हो सकती, कैसा कोई भाव नहीं हो सकता कैसा, तो ये भी क्या है यहाँ पे संज्ञा नहीं है। इसके बाद में वैसा, इस शब्द को देखो, इन दोनों की वजह से ये उत्तर सही नहीं हुआ। अब ये उत्तर क्यों सही नहीं हुआ, इसको देखो यहाँ पे क्या है, वैसा शब्द है। कैसा वैसा ये क्या नहीं है, संज्ञा नहीं है, क्योंकि कैसा वैसा कोई व्यक्ति नहीं होता, कैसा वैसा कोई वस्तु नहीं होती, कैसा वैसा कोई भाव नहीं होता, है ना। ये क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। तो कैसा और वैसा क्या है, अव्यय है। तो इस इनकी वजह से यहाँ पे ये उत्तर सही नहीं हुई, इसमें कमाना की वजह से, कैसा और सुंदर की वजह से, और यहाँ पे वैसा की वजह से। इसको देखो सुरीला, सुरीला में तो सही है, इस ये तो संज्ञा है, इसमें कौन सी संज्ञा है, सुर शब्द है, है ना। और सुर क्या होते हैं, सुर क्या होते हैं, संज्ञा है सुर। स्वर्ग, स्वर्गीय में संज्ञा क्या है, स्वर्ग है। क्या है स्वर्गीय में, स्वर्ग संज्ञा है। तो इस प्रकार से ये उत्तर सही हुआ, इसमें तीनों संज्ञा से बने हुए विशेषण है। आगे चलो अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न देखो, संज्ञा का भेद नहीं है। संज्ञा क्या नहीं है, भेद नहीं है। मैंने बताया आपको संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तीन भेद पड़ते हैं, व्यक्ति जाति और भाव, व्यक्ति जाति और भाव। लेकिन हमने पहले प्रश्न में एक चीज और देखी थी कि उसमें द्रव्यवाचक भी लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था, द्रव्यवाचक। तो बहुत सारे विद्वान जातिवाचक संज्ञा के दो भेद मानते हैं। क्या मानते हैं, दो भेद, एक तो है समूह और एक है द्रव्य। एक तो है समूह और एक है द्रव्य। तो अब देखो यहाँ पे समूह है, द्रव्य, व्यक्ति, जाति, भाव, इस प्रकार से पांच प्रकार हो गए। अब यहाँ पे देखोगे इनमें से कौन सा नहीं है। समूह है, बिल्कुल ये तो संज्ञा का भेद हो गया। द्रव्य है, ये भी संज्ञा का भेद हो गया। अब देखो प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक क्या नहीं है, संज्ञा नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक संज्ञा। सभी भेद है, सभी भेद तो हो ही नहीं सकते क्योंकि प्रश्नवाचक नहीं है यहाँ पे, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक संज्ञा। क्योंकि प्रश्नवाचक क्या होते हैं, प्रश्नवाचक होते हैं सर्वनाम। क्या होते हैं प्रश्नवाचक, सर्वनाम। आगे चलो मधुर विशेषण से, किससे, विशेषण से। और विशेषण मैंने बताया विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। और किस विशेषण से, मधुर विशेषण से, जैसे मधुर गाना, है ना। तो मधुर गाना है, इसमें विशेषण है मधुर। इससे बनी क्या बतानी है हमको, भाववाचक संज्ञा। क्या बतानी है, भाववाचक संज्ञा। अब देखो एक चीज हम जानते हैं कि जो भाववाचक संज्ञा है ना, ये विशेषण से पूछ रहा है यहाँ पे, विशेषण से बनी है। ये पांच प्रकार से बनती है। कितनी प्रकार से बनती है, पांच प्रकार से। वो पांच प्रकार देखो मैं बताता हूँ। एक तो है जातिवाचक संज्ञा से, कैसे बनती है, जातिवाचक संज्ञा से। जैसे बच्चा है, बच्चा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है ना, क्योंकि बच्चे बहुत सारे, तो बच्चा से किसका भाव निकला, बचपन का। किसका भाव निकला, इसमें बचपन का बन गया ना भाववाचक संज्ञा, बचपन। एक बनता है ये सर्वनाम से, किसे बनता है, सर्वनाम से। जैसे एक शब्द सर्वनाम है अपना, क्या है अपना, अपना से किसका भाव निकल गया, अपनापन। किसका भाव निकल गया, अपनापन। इसी प्रकार एक हो गया, दो हो गया, तीसरा है विशेषण से, विशेषण से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। कैसे बनती है, जैसे विशेषण शब्द है अभी यही देखते हैं, मधुर, है ना, मधुर विशेषण है। और मधुर विशेषण से किसका भाव हो सकता है, मधुर व्यक्ति में किसका भाव हो सकता है, मधुरता का होगा या तो, या माधुर्य का भाव होगा। किसका भाव होगा, माधुर्य का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माधुर्य। जैसे सुंदर व्यक्ति है, सुंदर व्यक्ति में किसका भाव होगा, सौंदर्य का या सुंदरता का भाव होगा। तो इस प्रकार से विशेषण से बनता है। चौथा देखो किससे बनता है, बताओ किससे बनता है, क्रिया से। अभी हमने देखा था कमाना, कमाना से कमाई, पढ़ना से पढ़ाई, तो क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनती है, है ना। अभी देखा था कमाना, कमाना से पढ़ा था हमने कमाई, पढ़ना से पढ़ाई, है ना, लड़ना से लड़ाई, तो क्रिया से बनता है। एक जो ये भाववाचक संज्ञा बनती है, ये बनती है एक अव्यय से, अव्यय से भी बनती है। अव्यय क्या होते हैं, जिनके रूप नहीं बदलते। जैसे अव्यय एक शब्द देखो, दूर शब्द है। दूर शब्द से किसका भाव निकल सकता है, वो चीज बहुत दूर है, तो इसमें किसका भाव है, दूरी का भाव है ना, क्या है, दूरी का भाव। तो इसके अंदर कौन सा भाव है, दूरी। तो ये दूरी शब्द क्या होगा यहाँ पे, भाववाचक संज्ञा। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञा पांच प्रकार से बनती है, जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय से। पांच प्रकार से भाववाचक संज्ञा बनती है। तो यहाँ पे पूछा है किससे, विशेषण से पूछा है। किससे पूछा है, विशेषण से। विशेषण से बताना है, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बतानी है। और विशेषण क्या है, मधुर। और मधुर व्यक्ति होता है, मधुर गाना होता है, है ना, तो उसके अंदर किसका भाव होगा, माधुर्य का या मधुरता का भाव होगा। कितनी मधुरता से गाता है, कितने माधुर्य से गाता है, है ना, तो किसका भाव होगा, माधुर्य का। किसका भाव होगा, माधुर्य का। आगे चलो अगला प्रश्न देखो। झूठा आदमी विश्वास के
योग्य नहीं हो सकता। कौन सा आदमी? झूठा आदमी विश्वास के योग्य नहीं होता। इसमें विश्वास है, क्या पूछा है? विश्वास शब्द है, ये क्या है? है ना, विश्वास शब्द के लिए पूछा है। तो हम तो टॉपिक पढ़ रहे हैं संज्ञा, अब यहाँ पे देखते हैं अकर्मक क्रिया पूछा है। तो सबसे पहले ये देखो क्रिया क्या होती है। क्रिया हम जानते हैं काम होना, तो विश्वास से कोई काम होता है क्या? विश्वास कोई काम बता रहा है, विश्वास करना ये तो कोई काम हो गया, विश्वास करना। लेकिन विश्वास से क्या पता चल रहा है कौन सा काम हो रहा है? नहीं, ये तो क्रिया तो नहीं होगी। उसके बाद में देखते हैं हम विशेषण, यहाँ पे पूछा है गुणवाचक विशेषण। अब विश्वास शब्द किसी की विशेषता बता रहा है क्या? देखें विश्वास के आगे कोई संज्ञा रख के देखो, विश्वास व्यक्ति, विश्वास विश्वास व्यक्ति, विश्वास व्यक्ति बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, क्योंकि ये क्या नहीं है, विशेषण भी नहीं है। विश्वसनीय व्यक्ति हो सकता था, क्या हो सकता था कि ये व्यक्ति क्या है? विश्वसनीय है, तो विश्वसनीय इसमें विशेषण है, लेकिन विश्वास विशेषण भी नहीं है। ठीक है, अब देखो चलो संज्ञा देखते हैं कि क्या संज्ञा है। आ जाओ, संज्ञा में हम जानते हैं संज्ञा में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक होती है। यहाँ पे ऑप्शन में दिया है जातिवाचक। तो जातिवाचक संज्ञा में हमने पढ़ा था कि जिन चीजों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं, वो किसमें आ जाएगी? जातिवाचक संज्ञा में। विश्वास को हम नाप सकते हैं क्या? कि उसने इतना विश्वास किया, इतना किया, इतना सही विश्वास किया, नहीं नाप सकते, देख नहीं सकते विश्वास को, केवल क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं, और महसूस करने को क्या बोलते हैं? भाव बोलते हैं। तो कौन सी हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। तो जातिवाचक भी नहीं होगी, इसका सही उत्तर होगा विश्वास का भाववाचक संज्ञा। आगे चलो, अगले प्रश्न को देखो, किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा भी बताइए, जस्ट अभी बताइए तुमको कि हमें यह चीज देखनी है कि हम उसे केवल महसूस कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे शब्द है बालक, बालक को हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, तो बालक क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। प्रीति, प्रीति को नहीं देख सकते हम। हाँ, कोई लड़की का नाम होता प्रीति तब तो हम देख लेते, लेकिन प्रीति का भाव भी होता है प्रेम का भाव। किसका भाव? प्रेम का। तो ये तो भाववाचक संज्ञा है ना, ये तो क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे बालक नहीं है, प्रीति है, अनेकता, अनेक कोई अनेक विशेषण है, अनेक विशेषण से किसका भाव निकला है? अनेकता का भाव निकला है। तो ये भी क्या है? भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे लिखा है पशुता, पशु होते हैं ना पशु, पशु प्रवृत्ति के लोग, उसमें किसका भाव होता है? पशुता का भाव होता है। पुस्तक है, पुस्तक, पुस्तक को हम देख सकते हैं, तो पुस्तक क्या नहीं है? भाववाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि इसको हम देख सकते हैं। सौर्य को, यार उसके अंदर कितना सौर्य है, उसको हम देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। नाप सकते हैं, नहीं नाप सकते। सौर्य का भाव, तो ये दोनों क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। लेकिन पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि पुस्तक को देख सकते हैं, और पुस्तक एक भी नहीं है, बहुत सारी पुस्तक है, इसलिए पुस्तक क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। अब देखो सौंदर्य, सौंदर्य भी अभी पढ़ाया था, भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि सुंदर व्यक्ति में सौंदर्य का भाव होता है। यहाँ पे देखो अपनापन, और ये जो अपनापन मैंने आपको बताया था अभी, कि सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। किससे बनी भाववाचक संज्ञा है? सर्वनाम से बनी क्या है ये? भाववाचक संज्ञा। क्योंकि सर्वनाम क्या है यहाँ पे? अपना, खुद की बात हो रही है, तो अपना कोई आदमी होता है उसमें किसका भाव होता है? अपनेपन का भाव होता है, तो ये भी भाववाचक है यहाँ पे। और एक है यहाँ पे निपुण। अब निपुण देखो, निपुण के आगे आप संज्ञा रखे देखो, मैंने यही पहचाना, आप ये बताया आपको आज कि आपको संज्ञा को पहचानने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि संज्ञा के आगे संज्ञा रख के देखो, निपुण के आगे व्यक्ति रख के देखो, निपुण व्यक्ति, निपुण क्या? व्यक्ति। क्या वाक्य सही बैठ रहा है? बिल्कुल सही बैठ रहा है। निपुण क्या होता है? व्यक्ति। तो अगर वाक्य सही बैठ रहा है तो फिर संज्ञा नहीं है, वाक्य सही बैठ रहा है तो फिर संज्ञा नहीं है। तो यहाँ पे निपुण क्या है? विशेषण है। निपुण क्या है यहाँ पे? निपुण विशेषण। तो ये दो हो गए, इसमें ये भी नहीं हुआ। ठीक है, अगले वाले ऑप्शन को देखते हैं। ईर्ष्या देखो, ईर्ष्या एक जलन का वो है, ईर्ष्या क्या है? भाव है एक, है ना। ईर्ष्या क्या है? ईर्ष्या व्यक्ति या ईर्षित व्यक्ति, देख है ना, तो ईर्ष्या एक भाव है ईर्षित व्यक्ति का। अब देखो यहाँ पे बच्चा है, बच्चा जो जातिवाचक संज्ञा है उससे बचपन का भाव निकला, अभी बताया था मैंने बचपन का भाव, कि उसका तो बचपना ही चला गया, बचपना चला गया तो कोई व्यक्ति थोड़ी चला गया, भाव चला गया है ना उसके अंदर का। अब यहाँ पे देखो नैतिक क्या है? विशेषण है, और नैतिक विशेषण से यहाँ पे किसका भाव निकला है? नैतिकता का। किसका भाव निकला है? नैतिकता का। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ईर्ष्या, बचपन और नैतिकता, यह है भाववाचक संज्ञा। चलो अगले प्रश्न को देखते हैं, आज के अंतिम प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? कौन सी संज्ञा? अब यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, कौन सी संज्ञा पूछ रहा है? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में हमने देखा है चीजों को छू सकते हैं, देख सकते हैं, नाप सकते हैं, तोल सकते हैं इत्यादि, है ना। तो हिमालय को, हिमालय क्या है संसार में? एक है क्या? बिल्कुल एक है, तो ये तो नहीं होगा। जातिवाचक संज्ञा में एक से ज्यादा होनी चाहिए। काशी एक है क्या? बिल्कुल एक है, तो ये भी नहीं होगा।
क्योंकि व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। शहर एक है क्या? शहर एक नहीं है, शहर को देख भी सकते हैं, बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अब देखो दिल्ली, दिल्ली एक है क्या? दिल्ली बिल्कुल एक ही है, नई दिल्ली के लिए नहीं, नई दिल्ली खुद अलग है, दिल्ली एक अलग है। तो दिल्ली क्या है यहाँ पे? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। दिल्ली। पहाड़, क्या पहाड़ एक ही है क्या? नहीं, बिल्कुल पहाड़ बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे ये तो है जातिवाचक संज्ञा, पहाड़ को देख भी सकते हैं। कामना को देखो, कामना देख सकते हैं, कामना को लड़कियां नाम तो देख सकते हैं, लेकिन भाव वो है कामना का, तो कामना को हम देख नहीं सकते, तो क्या होगी? भाववाचक संज्ञा। तो कामना का नाम भी होता कामना तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होती, जातिवाचक तो वैसे भी नहीं होती, तो ये भी नहीं होगा इसमें। फिर आगे देखो, यहाँ पे दे रखा है पहाड़, क्या दे रखा है? पहाड़, क्या पहाड़ एक ही होते हैं संसार में? नहीं, बहुत सारे होते हैं, और देख भी सकते हैं क्या? बिल्कुल देख सकते हैं पहाड़ों को, है ना, पहाड़ को हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। चलो ठीक है, पहाड़ तो हो गए। अब देखो बालक शब्द है दूसरा, बालक को हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, बालक को देख सकते हैं, तो क्या बालक एक ही है? बालक एक नहीं होगी, बहुत सारे, तो क्या हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा ये भी। अब देखो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे नदी है, क्या है? नदी, नदी को देख सकते हैं क्या? बिल्कुल नदी को हम देख सकते हैं, क्या नदी एक ही संसार में? नदी एक नहीं है, ओके बहुत सारी है, तो तीनों यहाँ पर क्या है? जातिवाचक, तीनों यहाँ पे क्या है? जातिवाचक संज्ञा, क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अब अगले वाले ऑप्शन को देखते हैं, लास्ट ऑप्शन को, इसका सही उत्तर तो ये हो गया सी, लेकिन ये क्यों नहीं हुआ ये देखते हैं। शहर क्या है संसार में? एक है क्या? शहर नहीं, एक नहीं है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा। पहाड़ एक ही है संसार में? नहीं, पहाड़ एक नहीं है, बहुत सारे हैं, और देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, तो ये भी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन देखो मैंने ये बोला था यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि नाम आ जाए ना, तो नाम किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसमें आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? पहाड़ हो गया। तो इस प्रकार से आज हमने ये 10 प्रश्न किए, आप 10 में से कितने सही हो रहे हैं वो मुझे कमेंट करके बताओ, और आज की क्लास आपको कैसी लगी, इसी प्रकार की और क्लासें आगे लेके आए या आप कमेंट करके हमें बताएं, और कौन कौन से प्रश्न आप संज्ञा से बना सकते हो, या आपको कोई संज्ञा से इन सब प्रश्नों में और क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो आप कमेंट करके नीचे पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद।